हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्ण, सीता राम, जय महाकाल, सत श्री अकाल जी। सबको कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो हुई है शाम, देखो बाहर बहुत अच्छा लग रहा, शाम का टाइम है, लेकिन मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ कि ये वीडियो जाएगी शाम को, सुबह को बाहर बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा। तो अभी मौसम ऐसा है, गर्मी है वैसे, लेकिन पहले से थोड़ी कम हुई है गर्मी। तो आज गए थे हम लोग मार्केट से ही अभी आई हूँ मैं, मार्केट से आ करके फिर चाय बनाई थी, चाय पीऊँगी, चाय पी करके कुछ खा करके दवाई खाऊँगी, क्योंकि रात को हो गया था मुझे फीवर। अभी फिर मुझे वैसे ही फील हो रहा है, अभी चाय पी लेती हूँ। बाज़ार में मैंने क्या क्या खरीदा वो दिखाऊँगी। अहोई अष्टमी का व्रत है ना, तो वो उसके लिए सामान खरीदने गए थे, तो मठियाँ वगैरह लेनी थी और भी कुछ लेना था, सो वो ले करके आए हैं आ करके। अभी फिर मैंने देखो मेरी चाय बन गई है, चाय के साथ ये थोड़ी सी मठी लूँगी और खाते हैं मट्ठी और मिलते हैं आपको बाद में। और क्या क्या किया वो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी है। सो चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। अभी हो गई हैं जी मेरी दिवाली की साफ़ सफाइयाँ शुरू। आज मैंने शांति को बुलाया कि अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई कर दो। तो सो आज उसने ऊपर वाले रूम की है सारी, ऊपर वाले पोर्शन की सफाई की, उसके बाद इसने किया कि किचन की सफाई और नए जो पेपर वगैरह ऊपर में कवर्ड के बिछाने होते हैं वो बिछाए। और उसके बाद ही आ गई थी ये ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में फिर सारा सामान हटा के सोफ़े वोफे हटा करके फिर मैंने सफाई करवाई, क्योंकि सोफ़े आप अगर नहीं जल्दी जल्दी उठाते हो तो पीछे ज़रूर एकदम से गंदगी हो ही जाती है। सो ये सोफ़े हटाए, हटवा करके सफाई करवाई, क्योंकि इनको भी बहुत जगह करना होता है। तो फिर मैंने बोला कि अभी से स्टार्ट कर दो, तो क्योंकि होई अष्टमी से पहले हम लोग एक बार किचन, मेरी शुरू से आदत है कि किचन साफ करते ही हैं। पहले जो लोग होते थे ना, जब कच्ची किचन वगैरह होती थी तो वो गोबर मिट्टी से लीपते थे होई के व्रत से पहले। सो इसलिए अभी तो हम वो कच्चियाँ तो रही नहीं, किसी के घर में भी नहीं रही हैं। बस इतना है कि हम लोग जो किचन है वैसे ही साफ़ सफाई कर लेते हैं होई अष्टमी से पहले। सो चलिए जी, इसके साथ ही आगे का देखिएगा कैसे कैसे है। जब मैं उसका चेहरा तो नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उसको अच्छा लगे या ना लगे, कभी कभी दिख भी जाता है काम करते हुए, लेकिन भाई सबका अपना अपना वो होता है। चलो जी, इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। अभी शांति सीढ़ी लगा के चढ़ी थी ऊपर, जो ऊपर चढ़ के फिर इसने किया, फोन आ गया बीच में, फैन वगैरह साफ किए, बीच में आ जाता है फोन, तो फोन की रिंगटोन भी उसी में रिकॉर्ड हो जाती है। सो जी चलो जी, वो ये हो रहा है साफ सफाई वाला काम। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज हुई है दिवाली की
साफ सफाई। अभी कुशन कवर चेंज करने हैं, ये मैं धोऊंगी दिवाली के एक दो दिन पहले इसको वॉश करूंगी। अभी मैंने सोचा कि अभी है टाइम, तो इधर डाइनिंग टेबल एरिया भी साफ हो गया है, किचन भी, किचन थोड़ी बहुत बची है, किचन का ऊपर वाला हिस्सा साफ हो गया है सारा, ऊपर पेपर वेपर बिछाने थे, बस वो सामने वाली विंडो थोड़ी गंदी दिख रही है, वो साफ करनी, एक दिन की भी थी, चिमनी साफ करनी है, लेकिन फिर से तेल तेल हो गया है, और बस जी बेड़ा साफ हो गया है और ऊपर वाले रूम साफ हो गए हैं, तो दो बेडरूम बचे हैं, ऊपर वाले दोनों रूम हो गए। चलिए जी अब करते हैं वीडियो बंद। ये मिट्टियाँ है ना, कैसे मिट्टियाँ लानी है ना, उसके बाद आ गए थे हम एक शॉप पे, हमें कुछ लेना था, बच्चों का सामान लेना था, वहाँ से वो कुछ एक्सचेंज करवाना था, तो वहाँ आए, फिर उसके बाद फिर एक और शॉप पे गए, मेरा ब्लाउज था साड़ी का जो बहुत मेरा था, तो मैंने सोचा कि उसका एक कपड़ा लेकर के फिर दोबारा स्टिच करवाऊंगी, सो कपड़ा लिया, फिर वहाँ से डाई करने दिया, तो बस आज सारे बाजार के काम हुए हैं हमारे, अभी त्यौहार हैं तो बाजारों में काफ़ी लंबियाँ लगेगा, अभी दिवाली के सामान लाने हैं, थोड़े से दिए वगैरह हमने ले लिए थे, हाँ जी हाँ जी, बाकी और सामान हार वगैरह लाने हैं तो वो बाद में लेंगे, तो यहाँ पर आए हैं मार्केट, कितने अभी यहाँ पर आ गए हैं, अच्छा वाला निकाल दो, वो ये वाले तो हुआ है होई अष्टमी के लिए, एक अच्छा वाला निकाल दो, हार चाहिए था और होई माता के फोटो को चढ़ाने के लिए, बाकी वो जो दिवाली का सारे हमने बाद में लेने हैं, तो ये लेकर के फिर हम गए दूसरी शॉप पे, सुखे मूर्ति हजे मैनू नहीं लगता लाइया है, हाँ और अच्छे में दिखा दो, ये पतला अभी बहुत अब है। हम आ गए हैं कपड़े की शॉप पे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, सो वहाँ से एक पीस लिया कपड़े का ब्लाउज के लिए, और अब देंगे डाई वो करके देंगे, अब स्टिच करवाऊंगी मैं अच्छे से, क्योंकि पहले ब्लाउज ना मेरे का अभी शादियाँ निकली तो साड़ी लगाने के लिए जो पहन रही थी तो वो सारे टाइट ही दिख रहे थे, सो फिर मैंने सोचा कि सिलवा लेते हैं, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, तो फिर कपड़ा लेकर के डाई करवा के अब कितना है इसको देंगे स्टिच करने के लिए। ये ब्लाउज रख लो भैया इसका मैच करके, अच्छा नहीं मिलेगा इसका ये वाला, ऐसे बाल तो नहीं पड़ते इसमें,